हाँ तो व्यूवर्स पहुंच चुके हैं अहमद भाई के पास और कर रहे हैं हम कवाली की तैयारी कुछ। कभी लोडशेडिंग ने मारा, कभी लोडशेडिंग ने मारा, लोगों ने मारा। बहुत जबरदस्त सेट बनाया और एक एक कलर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है ना आप देखें, और यकीनन अहमद और मदनी की क्रिएशन लग रही है मुझे। अहमद भाई यार मदनी इतनी बोतल बचाई मेरी तूने। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन हज़रात, रेहान जमाल ऑफिशियल में आप सबको एक बार फिर दिल से सलाम। पाकिस्तान के लोगों को बहुत प्यार, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत प्यार, दुबई के लोगों को प्यार। अच्छा युगांडा से आया एक मैसेज के यार हमारा भी नाम ले लिया तो युगांडा के लोगों को भी बहुत प्यार और जितनी भी दुनिया में हमें लोग देख रहे हैं सबको बहुत दिल से सलाम। अच्छा जी आज जो करेक्टर है वो है कव्वाल का करेक्टर दोबारा फिर से, और हम जा रहे हैं किसकी शूट पे? भाई अहमद खान की शूट पे जा रहे हैं और वो इतना हिट हुआ था कवाल वाला तो लोगों की फरमाइश के पे यार कि पार्ट टू करना चाहिए हमें। पार्ट टू करना चाहिए, आज कर रहे हैं पार्ट टू कर रहे हैं और पार्ट टू कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे आज फिर बिहाइंड द सीन, हमारे साथ रहिएगा। और हम पहुंचते हैं, दो चार बातें आपसे हम गाड़ी में भी करेंगे, वो हमारी नई वाली गाड़ी जो है उसमें भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे गाड़ी में, उसके बाद मिलेंगे आपसे हम शूट पे। आइए। दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है जिंदगी। नाज़रीन क्या जिंदगी है यार, और क्या यार आर्टिस्ट की लाइफ है, एक टिपिकल लाइफ है, मुश्किल लाइफ है। अब देखना बाजा रखा हुआ पीछे, कपड़े भी रखे हुए हैं और जा रहे हैं शूट पे। वही आप लोगों की फरमाइश, जो कव्वाल का एक रोल बड़ा आप लोगों ने पसंद किया, तो अहमद ने मुझे कहा कि रैन भाई एक दफ़ा फिर बनना है कव्वाल। मैंने कहा चलो भाई फिर बनेंगे और अब की दफ़ा कुछ नया आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों की जो दुआएं हैं, तो मैं बात ही कर रहा था कि क्या जिंदगी है यार, वक्त और वो कहते ना जिंदगी इम्तिहान लेती है। हाँ भैया यार मेरे दिमाग में एक सवाल है। क्या सवाल? बड़ा घूमता रहता है। क्या घूमता रहता है? आपको गाने का शौक कब से, सच सच बताना यार। मुझे जो है ना, मैं सही बताऊं, मैं तो भाई पाकिस्तानी नगमे पढ़ा करता था, तो किसी दोस्त ने एक दफ़ा मुझे कह दिया यार रेहान भाई आपकी आवाज़ तो कुमार सानू में बहुत मिलती है। बस उस दिन से जो, हालांकि मिलती नहीं है, बस उसने ऐसी कह दिया, पता नहीं क्यों कह दिया। उस दिन से जो मैंने गाने शुरू किए हैं बस, लेकिन ये कि मैं कलाम भी पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, तो बस ये है चक्कर। तो इसमें बुराई क्या है यार? नहीं इसमें बुराई नहीं है कोई, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि यार क्या कब से शौक है और कब से गाते आ रहे हैं, ये भी बताते हैं कब से गा रहे हैं। यार मुझे तकरीबन हो गया कोई, गा तो रहे नहीं है, गाना मुश्किल काम है भाई, अपना दिल खुश करते कोशिश करते हैं। तो बस यार जिंदगी चल रही है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कनेक्ट हो। अभी मैं अपने दोस्तों से, अपने व्यूवर्स से बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में कौन मिलता है, कौन प्यार करता है, लेकिन एक बंदा ऐसा जिसका नाम अली चिश्ती, एक बहुत अच्छा दोस्त बना जिसने मोहब्बत से गले लगाया। और आर्टिस्टों के लिए मैं यही कहूँगा, उन्होंने खुद भी कहा है कि आर्टिस्टों को कुछ करना है और कुछ करना चाहते हैं तो रابطہ करें, मुझसे रابطہ करें और मैं उन तक आपको पहुँचाऊँ, मिलके कुछ करते हैं कराची के लिए, मिलके कुछ करते हैं, ये उनका बड़ापन है। तो अली चिश्ती भाई आपकी ये काविश ज़रूर पूरी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो अब पहुँचने वाले हैं बस अहमद के घर पर, और वहाँ पर हम बिहाइंड द सीन आपको दिखाएंगे कि बिहाइंड द सीन क्या है। बरकत की चुल बोली यार, मेरे बात करके बताया रहा है यार, यार बरकत भाई कमाल है, कमाल है, हंसा-हंसा के पागल करते थे भाई वो बंदे को, बन रहा है यार। ऑफ कैमरा हमसे पूछो हमारी क्या हालत हो। और नाज़रीन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है बरकत, उज़्मी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और अहमद की तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है वो साथ साथ। तो बस पहुँचने वाले हैं और फिर आपको दिखाते हैं बिहाइंड द सीन, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आइए। हाँ तो व्यूवर्स पहुंच चुके हैं अहमद भाई के पास और कर रहे हैं हम कवाली की तैयारी कुछ। अहमद भाई
सारे आइटम बताते हैं आप ये बात, और सारे आइटम आपको खुद पता होते हैं, आपने तकरीबन 25 साल हो गए आपको कॉमेडी करते हैं। 25 साल हो गए, 25 साल में कितने दिन होते हैं? अगर आपने हर दिन एक जोक याद किया है तो मेरे ख्याल हजारों लाखों जोक हो गए। इस वक्त कुछ बिजली प्रॉब्लम हो गई है टेक्निकल, लेकिन मदनी ने कुछ जुगाड़ कर करा के साइड की लाइट ऑन कर दी, बिजली ऑन कर दी। काम तो रोक नहीं सकते मदनी भाई, आपको केसी में होना चाहिए था। किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के आपके लिए पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दो तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। यार वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं यार, क्या देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या नया सेट हमारा बना भाई, वाह। कौन सी बोतल आपको चाहिए, आपको यहाँ से मिले इसके अंदर भाई, वो पानी भरा हुआ है, मतलब पानी की नहीं, एक भरी है बोतल जरा है, लेकिन बोतल यार बहुत जबरदस्त सेट बनाया, और एक एक कलर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है ना आप देखे, यकीन अहमद मदनी की क्रिएशन लग रही है मुझे। अहमद भाई यार मदनी इतनी बोतलें बचाई मेरी तूने यार, लेकिन जो भी सेट बनाना मैं कह रहा हूँ कमाल का सेट बनाना है, बस सेट हो जाए और इंशाल्लाह और भी सेट पे काम हो रहा है, सेट पे काम चल रहा है, सेट पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, और हर चीज पे काम हो रहा है। अहमद आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस बात पे कि यार एक तो आने से पहले अहमद बहुत सारी चीजें खुद ही मेरे लिए बना के बैठा होता है, रेहान भाई ये कर दो, रेहान भाई ये आइटम बन, आधी सात तो आधा स्क्रिप्ट अहमद तैयार करता है, तो बस अब चलते हैं तैयारी करते हैं, कुछ कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और कमाल के ड्रेस में आते हैं, उसमें भी एक दो बातें आपसे करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे, और आपको देखिएगा बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, ये अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। पानी है कभी लोड शेडिंग ने मारा, कभी लोड शेडिंग ने मारा, लोगों ने चेटिंग ने मारा, कभी लोड शेडिंग ने मारा, लोगों ने चेटिंग ने मारा, खिला कौम से नहीं है खिला कौम से। नाज़रीन हमने जो है कर दिया है एंड आज का शो, बहुत मजा आया, आप लोग जब ये अहमद खान की पॉडकास्ट में देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बरकत भाई बच्चा बना दे, अच्छा बच्चा बस सही है, और नॉर्मल बच्चा का नॉर्मल बच्चा, नेक्स्ट जो है हमारा शो भी डिसाइड हो गया, तोतला बच्चा आपने बनना है, बस माचिस और पैंट कोट नहीं बोलना तोतला भाई बरकत भाई बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। अच्छा उस वक्त होता है जब सामने वाला आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत बुरा होता है, नहीं अच्छा इस वक्त होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सामने वाला अच्छा आर्टिस्ट होता है आपके आपके लाफ्टर को 10 गुना बड़ा आगे बढ़ा देता है। मैं उसमी भाई नाजरीन मैं आपको सीधी बात बताऊँ, ये यूनिवर्सिटी है लतीफों की, और ये पूरा साल बंद रहती है, यूनिवर्सिटी बंद रहा है लेकिन रोजी चलती रहे, सब आर्टिस्टों के मामला ऐसे चलते रहे, आप लोग अप्रिशिएट करते रहे। उसमी भाई आई लव यू सो मच, अरे लव यू आखू लव यू टू ऑडियंस, जो देखती है, जो मीम बनाती है, जो एंजॉय करती है, जो लाइक करती है, जो शेयर करती है, और ये टीम वर्क है पूरा, किसी एक बंदे का अकेले का काम नहीं है, और ये भी टीम वर्क ही अकेले का काम नहीं है हम सब टीम वर्क अकेले का काम नहीं है। ओके जी एंड करेंगे, और हो सकता है कि जाते जाते मैं आपको कुछ सुना भी दूं, तो आज का ब्लॉग एंड करेंगे,
तो इससे पहले कि हम आज का ब्लॉग खत्म करें, आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें। बरकत भाई के लिए, उज्मी भाई के लिए, अहमद भाई के लिए, खासकर मेरे लिए, मदनी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआएं कीजिएगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें बरकत हो और अल्लाह पाक तरक्की दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू। पानी की बोतल निकाल दे।